इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपना पासवर्ड फॉरगेट करते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप पासवर्ड को फॉरगेट करते हैं तो यहाँ पर आप अपना नंबर या अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं। जैसे आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं देन इसे नेक्स्ट कर देते हैं तो एक वेरिफिकेशन कोड आता है जो कि हमें रिसीव नहीं हो पाता, चाहे वो नंबर से हो चाहे वो जो है यहाँ पर किसी और तरीके से हो, तो वो कोड जो है हमारे पास नहीं आ पाता है हमारी ईमेल। तो हमें क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वैसे यहाँ पर सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो रिसीव कोड है वो मेरे पास आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके उस पर नहीं आ पाता, आपके फेसबुक अकाउंट पर आप फॉरगेट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको सिंपल बताऊँगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको बैक आना है और सबसे पहले अपने ईमेल एड्रेस को खोलना है जिस पर आप रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कर रहे हैं, अच्छी बात है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर आपको स्टडीड ऐप में जाना है और यहाँ पर अपने जीमेल को ढूंढ लेना है। यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ, जो भी आप यूज़ करते हो तो इसको खोल लेना है। और खोलने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको देख लेना है कि रिस्ट्रिक्ट डेटा तो नहीं लग रहा और यहाँ पर एप्लीकेशन परमिशंस चालू है तो ओके है। फिर यहाँ पर फोर स्टॉप मार दीजिए, ओके कर दिए। इससे क्या होता है कि नोटिफिकेशंस नहीं मिलती या फिर स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है आपके जीमेल के अंदर, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं मिल पाता। लेकिन आप जैसे फिर दोबारा खोलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा कंडीशंस ये है कि आपका अगर कुछ सर्वर एरर होगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर नहीं होगा। आप इसलिए एक दिन का गैप ले सकते हैं, अगर एक दिन में आपको नहीं आए दूसरे दिन ट्राई करिए, दूसरे दिन आए तो तीसरे दिन ट्राई करिए और उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो ये मैं आपको प्रोसेस अगली वीडियो मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है। वैसे यहाँ पर जितने भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में बता दूंगा जिससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। सिर्फ रिपोर्टिंग करना ही आपको मैं बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे करते हैं, लेकिन वो तो बाद में बात करते हैं। तो सबसे फिर लास्ट में जो एक और जो है सोल्यूशन निकलता है इसका, कि आप अपने एक ब्राउज़र यूज़ करिए, या तो क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ करिए। क्रोम ब्राउज़र से आप अपना फॉरगेट करने की कोशिश करेंगे तो 100% आपका फॉरगेट होगा और आपके ईमेल पर आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा और आप उसे रीसेट कर पाएंगे। तो ये बस प्रोसेस होता है इसका और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।